नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पे। आज की वीडियो में दोस्तों आपके लिए जो मैच कवर करने वाले हैं वो मैच है दोस्तों यहाँ पे जिम्बाब्वे T20 का आज के दिन का पहला सीरीज का। दोस्तों इनकी ये तीसरा मुकाबला है जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम ME वर्सेस टीम MAT के बीच में, और दोनों टीम दोस्तों कल अपना एक एक मुकाबला खेल कर आ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस मुकाबले में कौन सा प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा स्मॉल लीग के लिए और कौन सा प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा ग्रां लीग के लिए। इसके अलावा दोस्तों किन प्लेयर्स को आप लोग कैप्टन पिक करके चलोगे और किन प्लेयर्स को आप लोग वाइस कैप्टन बनाओगे, तो बस आपको वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है, पूरा देखना है अगर आप लोग इस मुकाबले में विन करना चाहते हैं या फिर दोस्तों कुछ अर्न करना चाहते हैं। बाकी जो मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय 8000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगहों पे सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा, तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लें क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहले चलेंगे दोस्तों स्कोर कार्ड की ओर, जहाँ पर मैं आपको दोनों टीम्स के लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूँ। बात की जाए ईगल्स की, पिछला मुकाबला हार कर आए हैं 6 विकेट से। इस मुकाबले में इनकी टीम जो ओवर्स थे वो कम कर दिए गए थे, 15-15 ओवर का गेम हुआ था और इनकी टीम ने दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले की थी बल्लेबाजी और ये दोस्तों 15वें ओवर के अंदर ऑल आउट हो गए। सिर्फ ये 93 रन ही बना पाए। जब बारी है दोस्तों खुद इनकी टारगेट को मतलब डिफेंड करने की, तो अपने इनके दिए गए टारगेट को 15वें ओवर के अंदर चेस कर दिए और ये सिर्फ उनके 4 विकेट गिरा पाए। तो दोस्तों ये पूरा 20 ओवर का गेम था, ये दोस्तों 20 ओवर खेलने से पहले ही ऑल आउट हो गए थे, कोई भी ओवर कम नहीं किए गए थे। तो इनकी ओर से दोस्तों यहाँ पे तिनाशे कमरू कामवे ओपन करने आए थे वेस्ले मदवेरे के साथ, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, लेकिन यहाँ पे तिमाशे ने भी 3, वेस्ले ने भी यहाँ पे 1 रन बनाया। चामू चिबाबा जो कि इस टीम के कैप्टन है, 21 गेंदों पे इन्होंने 35 रन बनाए। नंबर 3 पे आए कुदजई माउंजे जिन्होंने 4 गेंद पे 2। मार्शल तकोजा ने दोस्तों 6 गेंदों पे 1 रन बनाए। मैथ्यू वेल्क ने दोस्तों 3 गेंदों पे 1। ब्राड इवांस ने दोस्तों 8 गेंदों पे 2। इसके अलावा इनकी ओर से एशा चिबांदा ने काफ़ी अच्छा इनिंग खेला, 16 गेंदों पे 34 रनों का। रिचर्ड नगारवा ने दोस्तों 1 गेंद खेली, 1 भी रन नहीं बनाया। इसके अलावा मुफदजा ने दोस्तों 15 गेंदों पे 9 और डेनियल जैकिल ने दोस्तों 1 गेंद पे 1 रन बनाया। तो यहाँ पे अगर जो प्लेयर्स इनकी ओर से इंपॉर्टेंट रहेंगे बैटिंग से, वो यहाँ पे दोस्तों मदवरे इंपॉर्टेंट रहेंगे, तिनाशे इंपॉर्टेंट रहेंगे, चिबाबा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा आज हो सकता है कि आज के मैच में यहाँ पे चिबांदा को ऊपर भेजा जाए, क्योंकि लास्ट मैच में जिस प्रकार से इन्होंने बल्लेबाजी की है तो शायद आज के मैच में ऊपर आ जाए। तो इनकी ओर से जो ये 4 या 5 बैट्समैन मैंने आपको बताए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ इनकी गेंदबाजी की, तो इनकी ओर से रिचर्ड नगारवा ने 4 ओवर की गेंदबाजी करके 2 विकेट निकाले। मुफदुजा को दोस्तों 1 विकेट मिला और मदवरे को 1 विकेट मिला। बाकी डेनियल जैकिल यहाँ पे विकेट लेस रहे और यहाँ पे इवांस भी दोस्तों विकेट लेस रहे थे, यानी कि इनकी ओर से नगारवा, मुफदुजा और यहाँ पे मदवरे ही इनके मेन बॉलर रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों इनके अपोनेंट टीम की, तो यहाँ पे दोस्तों टस्कर्स की टीम भी अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है। इन्होंने दोस्तों इस मैच में सबसे पहले बल्लेबाजी इन्होंने भी की थी, ये सिर्फ 20 ओवर के अंदर 158 रन ही बना पाए और अपने 3 विकेट गिरा दिए। गेंदबाजी इनकी भी काफ़ी ज़्यादा बेकार रही, अपोनेंट ने इनके दिए गए टारगेट को 20 ओवर से पहले ही चेस कर दिया और ये सिर्फ उनके 4 विकेट गिरा पाए। तो इनकी ओर से दोस्तों यहाँ पर ब्राइड फीरी जो कि इस टीम के कैप्टन है ओपन करने आते हैं और ये 16 गेंदों पर 14 रन। कराबो दोस्तों 2 गेंदों पे 4। मिल्टन शुम्बा काफ़ी अच्छा प्लेयर है और काफ़ी अच्छा इनिंग भी खेला, 50 गेंदों पे 67 रनों का नॉट आउट रहे। क्लाइव भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, 58 गेंदों पे 55 रन बना चुके थे लेकिन रन आउट हो जाते हैं। इसके अलावा ल्यूक जोंगवे इंटरनेशनल प्लेयर है, जानते होंगे आप लोग, 6 गेंदों पे 10 रन बना के नॉट आउट रहे। तो इनके जो इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पे मिल्टन शुम्बा, क्लाइव इंपॉर्टेंट रहेंगे, ल्यूक जोंगवे इंपॉर्टेंट है, बाकी आप चाहो तो ब्राइट को भी यहाँ पे पिक करके चल सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं इनकी गेंदबाजी की, तो इन्होंने देखा जाए तो अपने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जहां पर जोंगवे की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई लेकिन बॉलर काफ़ी अच्छा है, आज के मैच में विकेट निकाल कर दे सकता है। इसके अलावा इनकी ओर से एंशले ने 4 ओवर की गेंदबाजी करके 1 विकेट निकाला। स्टीव ने यहाँ पर 1 विकेट निकाला। शेनोप्पा ने 1 विकेट निकाला। बाकी इनकी ओर से जॉन ने भी अच्छी गेंदबाजी की। बाकी इनके किसी भी बॉलर को कोई भी सफलता यहाँ पर नहीं मिली। तो जो इनके इंपॉर्टेंट और मेन बॉलर्स रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पर जॉन एम्बू इंपॉर्टेंट रहेंगे, जोंगवे इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंशले इंपॉर्टेंट रहेंगे, शेनोप्पा और
यहाँ पे स्टेप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे भाइयों क्या कर रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस करो ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिए। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूँगा, वो टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय 8000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगहों पे सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दी गई टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लें क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं ऐप की ओर, जहां पर आपको कमाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो अगर बात करूं मैं विकेट कीपिंग सेक्शन की तो यहां पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा क्लाइव का। लास्ट मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, अपनी टीम के कैप्टन भी हैं, तो इस मैच में हम दोस्तों इनको ही पिक करके चलेंगे। बाकी और कोई विकेट कीपर ऑप्शन यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर यहाँ पर आर चगावा खेलते हैं, जो कि लास्ट मैच में नहीं खेले थे, अगर खेलते हैं तो इनको पिक कर लेना और आप इनको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी बना सकते हो क्योंकि अपनी टीम जिम्बाब्वे के लिए इंटरनेशनल मैचेस में यही विकेट कीपिंग करते हैं, प्लस काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी भी करते हैं। बैटिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम दोस्तों चिबाबा को अपनी टीम में पिक करेंगे, लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करके आए। इरविन लास्ट मैच में नहीं खेले थे तो इस मैच में भी अगर नहीं खेलते तो नहीं पिक करेंगे, बाकी खेलते हैं तो पिक कर लेना, बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम टी कमनुका को पिक करेंगे, बाकी यहाँ पर नीचे से शुम्बा एक अच्छा खासा प्लेयर है, इसको ट्राई करेंगे। बाकी आपके सामने भगत पीरी की पिक, आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो, जो कि लास्ट मैच में ओपन ज़रूर किए थे लेकिन कुछ बड़ा स्कोर कर नहीं पाए थे, तो ये आपके ऊपर, आप इनको पिक करना चाहते हो या नहीं। बाकी के मोन्जे, ये भी एक अच्छे खासे बल्लेबाज हैं लास्ट मैच में, लेकिन ये भी दोस्तों फ्लॉप हुए थे, लेकिन अच्छा प्लेयर, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ से मैंने तीन इंपॉर्टेंट मैन बैट्समैन को रखा है, जो कि हैं चिबाबा, टी कमनखा और यहाँ पे एम शुम्बा। ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे वेस्ले मतबरे को पिक करेंगे, इसके अलावा नीचे से यहाँ पे इवांस को पिक करेंगे। बाकी ऐसा कोई ऑलराउंडर यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आप लोग यहाँ पे पिक करना चाहेंगे। बॉलिंग से लॉन्ग जोंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके अलावा निम्बू आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, रिचर्ड नगारवा इंपॉर्टेंट रहेंगे, टीम मुफ्तजा इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक प्लेयर आप लोग यहाँ पे और सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरी समझ से मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पिक करने वाला हूँ अपनी टीम में स्टीव या स्टीव को, जो कि काफ़ी अच्छे गेंदबाज है और आज के मैच में हमारी ये डिफरेंशियल पिक भी रहेंगे। सिलेक्शन काफ़ी कम है और काफ़ी अच्छा गेंदबाज है, विकेट निकाल कर शायद निकाल कर जाएगा आज के मैच में। तो दोस्तों मेरी जो टीम है यहाँ पे रेडी हो चुकी है, छः प्लेयर हमने दोस्तों टीम ईगल्स के लिए हैं, टीम टस्कर्स के हमने पाँच प्लेयर्स को पिक करके रखा है। कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ से 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर्स, 5 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। बात की जाए अगर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, किस प्लेयर को कैप्टन एंड किस प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाएंगे, तो कैप्टन यहाँ से हम मधवरे को बनाएंगे, वाइस कैप्टन मेरे यहाँ पे दोस्तों जोंगवे रहेंगे। बाकी आप यहाँ पे शुम्बा को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, आप चिबाबा को कर सकते हो, आप क्लाइव को कर सकते हो, बाकी थोड़ा और सेफ जाना चाहो तो आप नगारवा को भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे वाइस कैप्टन जोंगवे को बनाऊंगा जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। तो हमारी दोस्तों टीम रेडी हो गई है, तो इसको सेव कर देते हैं। दोस्तों सेम टीम के साथ स्मॉलिक ज्वाइन करेंगे और सेम टीम के साथ दोस्तों ग्रालिंग ज्वाइन करेंगे, तो एक बार आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू ले लीजिए। बाकी अगर हमारी इस टीम से कोई भी प्लेयर नहीं प्ले करता है आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो हमारी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, वो टीम आपको मिलेगी सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय दोस्तों 8000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन है और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगहों पर मिल जाएगा, तो किसी भी जगह से जाकर आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो फटाफट से एक लाइक वीडियो को भी कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, घंटा प्रेस कर लेना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।